भाई देखो, अब आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग का बटन लिखा हुआ आ गया, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर बस चलो सेट है। इसी बिल्कुल। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। जी। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कुछ फैक्टर्स, देखो मैं ये बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब ये है कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं या स्पीड को कम कर देती हैं, वो चीजें हमने पढ़नी है। यहाँ पे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ा है, यहाँ पे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। ये चैप्टर 8 का है, वो चैप्टर 6 का है, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे फैक्टर्स जो के अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। रेट से मुराद यहाँ पे स्पीड, के किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को छेड़छाड़ करें, सही ना? हाँ अच्छा देखो, उनमें कौन, अच्छा समझ में आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? जी सर। उनमें से कुछ फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा फैक्टर है भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर कौन प्रेशर सा भाई, तीसरा फैक्टर है प्रेशर यहाँ पे नेचर ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे प्रेशर नहीं हाँ है। और नेचर ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चौथा है एरिया या सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन या सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, कुछ भी कह रहा है उसको, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और पांचवी चीज है यहाँ पे क्या चीज, कैटलिस्ट। और आखिरी चीज है यहाँ पे रेडिएशंस, ये यहाँ पे इधर कर देता हूँ, जी रेडिएशंस। हमने क्या करना है, हमने इन छह फैक्टर्स को डिस्कस करना है, और इन छह फैक्टर्स को डिस्कस करके हमने ये देखना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर मेरी सही आ आ रही रही है, है। बिल्कुल सही आ रही है, बेहतरीन आ रही है। क्या मुईन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, मुझे भी आ रही है। अब देखो मुईन, एक बात मुझे बताओ, आप दोनों में के घर पे में से किसी के भी घर पे माइक्रोवेव है? माइक्रोवेव नो सर, मेरे घर पे नहीं है। मुईन, तुम्हारे घर पे माइक्रोवेव है? नहीं सर। अच्छा देखो, वैसे मेरे घर में माइक्रोवेव है इसलिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन चलो तुम लोग पहले अंदाजा लगाओ। एक खाने को चूल्हे पे गर्म करते हो तो ज्यादा टाइम लगता है, या खाने को माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म करते हो तो ज्यादा टाइम लगता सर वो चूल्हे पे है? ज्यादा टाइम, सर चूल्हे पे ज्यादा टाइम लगता है, और ओवन पे, दो मिनट में हो जाता है, पता ही ओवन नहीं में दो चलता। मिनट में होता है। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 2 मिनट के अंदर तो खाने को बहुत ज्यादा तेज गर्म कर देता है। 30 सेकंड से 1 मिनट भी काफी, अगर आपने खाने को गर्म करना है मेरे नजदीक तो, क्योंकि मैं खाना गर्म करता था इसलिए मैं पता है, इसलिए मैं पता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो मुइन। अच्छा देखो मुइन, और जहां से मेरी बात सुनना, आप लोग 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो चूल्हे पे खाना गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करूँ तो उसके अंदर खाना बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। बहुत तेज गर्म होने की वजह यह है कि उस माइक्रोवेव के अंदर रेडिएशंस होती हैं, गैमा रेडिएशंस, जो खाने को तेजी से गर्म करते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से उसको चला रहा हूँ, माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर रेडिएशन क्या करती है, हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज कर देती है, बहुत फास्ट कर देती है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सर वहां पे गामा रेडिएशंस होती हैं। पता नहीं कौन सी रेडिएशन होती है, मैंने तो यही सुना है। सॉरी, गैमा रेडिएशन नहीं होती, ये माइक्रो, पता नहीं कौन सी होती है, होती है बस, रेडिएशन होती है, माइक्रो होती है, कंफर्म नहीं पता, फिजिक्स वाले सर से कंफर्म करके बताऊंगा। वो मिस है हमारी फिजिक्स की, मैं मिस से पूछूंगी। चलो तुम फिजिक्स की मिस से पूछना, हमारे मुइन, हमारे जो फिजिक्स के सर है वो अच्छे हैं या कैसे हैं, बताओ जरा। तारीफ नहीं करूंगा आप तारीफ नहीं करोगे? चलो ठीक है, मैं फिजिक्स वाले सर से कंफर्म करके बताऊंगा अपने वाले कि इसमें कौन सी होती है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके अंदर रेडिएशन होती हैं। अब देखो वो रेडिएशन जो होती हैं वो स्पीड को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ाती फोटॉन्स हैं, कम होते कर हैं, देते हैं। अबे फोटॉन्स नहीं है मेरे ब्रो, ख्याल से, फोटॉन अबे फोटोन, फोटोन तो हर लाइट के भी तो अंदर होते हैं। रेडिएशन है ना। अबे अबे फोटोन तो हर लाइट में होते हैं, हर किस्म की लाइट में फोटोन होते हैं, हर रेडिएशन में फोटोन होते हैं। फोटोन क्या है, फोटोन तो सिर्फ एक एनर्जी का पैकेट है, फोटोन एनर्जी हाँ पैकेट है, वो तो हर 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 रेडिएशन में होते हैं। अब रेडिएशन की टाइप्स अलग अलग होती है ना, उसमें से माइक्रोवेव में कौन सी वाली रेडिएशन होती है ये मुझे नहीं पता, सारी रेडिएशन के अंदर फोटोन होते हैं, ये बात अपने ध्यान में बिठा लो। अब देखो
मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेडिएशन बढ़ेंगी तो क्या केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ या ना? सर बिल्कुल बढ़ेगी। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, रेडिएशन बढ़ेंगी तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाए, रेडिएशन कम हो गई तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो स्लो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी। कैटलिस्ट, अब मैं कैटलिस्ट को वापसी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इसको बता चुका कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या काम करता है? सर वो स्पीड अप करता है और वो स्लो डाउन करता है। सही ना, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है, और ये रिएक्शन को स्लो कर देता है। अब इसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बहुत आसान है। सर कैटलिस्ट रोकता नहीं है। मेरे कहीं मैंने कहीं पे कैटलिस्ट बुक में पढ़ी थी कि कभी कभी रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए जिस तरह हमारा फिजिक्स का हाँ चैप्टर नंबर 18 है, तो उसमें मेरे हाँ ख्याल तो से था कि कैटलिस्ट भी काम करता है रोकने के लिए हाँ भी। तो हाँ तो रोकने, बेसिकली स्लो डाउन के अंदर वो रोकने की ही तो कोशिश कर रहा है। ये वही तो एग्जांपल है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई लड़का है, वो बोल रहा है कि भाई लड़की पका रहे तो उसका दोस्त बोले नहीं अबे ये काम नहीं कर, अबे नहीं रुक जा रुक जा। तो ये वो यही तो कर रहा है, बस रोकने की स्पीड के अंदर वो क्या करेगा, स्लो ही करेगा रिएक्शन को। पूरा 100% रोक थोड़ी ना सकता है, स्लो कर देगा समझ आ उसके गया, रिएक्शन को। समझ आया। कभी जिंदगी में नहीं समझाया आपने, ऐसा हर टीचर नहीं समझाता, मुझे अभी समझ में आ गया बस। अच्छा बेहतरीन हो गया। देखो यार मैं तुम्हें समझाता हूँ कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कुछ रिएक्शन इतने तेज होते हैं कि माइक्रो सेकंड में हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, तो उनकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम नमक को पानी में डिजोल्व करो तो वो ऐसे डिजोल्व होता है भाई पता ही नहीं लगता। या अगर ये वाली एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है भाई बहुत सड़क छाप एग्जाम्पल है, तो एक काम करते हैं भाई, एक बार बताओ तुम्हारे घर पे लाइट जाती है, मुइन तुम्हारे घर पे लाइट जाती है? मुइन, जहां से जी नहीं तुम्हारे घर पे जी लाइट जाती है? सर, जी आजकल सर। जाने लगे, पहले नहीं जाती, और अभी मुइन जा रही तुम्हारे है। घर पे लाइट जाती है? जी सर होती भाई, लाजमी सी बात है, मेरे घर पे भी लाइट जाती है। लेकिन जब केसी वालों का मूड होता है कि भाई अब यहाँ पे बहुत देर से हमने लाइट बंद कर दी, लोड शेडिंग कर दिया, अब खोलनी चाहिए, तो वह जैसे ही ब्रेकर खोलते हैं या जैसे ही क्या नाम है वापसी ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं, क्या पूरे इलाके में एकदम से बिजली पहुंच जाती है वापसी, एकदम सर, से वो सेकंड में सेकंड के लगता, अंदर, पीको सेकंड सेकंड के में, अंदर। हाँ पीको सेकंड में पहुंच जाती है पूरे इलाके में वापसी बिजली पहुंच जाती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की या बिजली की स्पीड इतनी तेज है कि लाइट से बस स्लो है, मतलब रोशनी से थोड़ी इसकी हल्की हल्की स्पीड, बाकी तो सबसे तेज ही है मेरे ख्याल में जहां तक, तो इतनी तेज है। अब एक बार बताओ वहां पे उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो इतना तेज हो रहा है कि उसकी स्पीड पता ही नहीं लग पा रही, समझ रहे हो मेरी बात? जी जी समझते हैं। तो अब उधर क्या करना पड़ेगा मुझे, उसकी उसके रेट को या उसकी स्पीड को मालूम करने के लिए मुझे उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। अब फिजिक्स में तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पढ़े, ये तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा था। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि इतना तेज हो रहे हैं तो उनको स्लो करना पड़ेगा कोई भी कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करके, ताकि उसका रेट डिटरमाइन कर सके, उसकी स्पीड मालूम कर सके। समझ रहे मेरी बात, आसान है मुश्किल? सर बच्चों वाली चीजें, हाँ बच्चों वाली चीज है। और अगर किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना है, मान लो लोहे को जंग लगना, ये कोरोजन जो जंग लगने का प्रोसेस है, ये जी। तेज होता है या स्लो होता है? सर वो स्लो, बहुत स्लो, बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो होता है यार, बहुत स्लो होता है, मतलब इतना इतना स्लो पानी होता की है कि वजह से दस दस होता है। हाँ मतलब ये प्रोसेस इतना स्लो है कि 10 10 साल 20 20 साल में जाके पूरा जंग लगता है, और पता नहीं कितना, इतना कौन वेट करे। तो अगर हमने उसका जंग लगने के रेट को डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड करेंगे। कैटलिस्ट से मुराद ऑक्सीजन गैस को बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, पानी उसके अंदर लगा रहे हैं, कोई निकल लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसके रेट को बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ताकि इसको जल्दी से जंग लग सके और हम इसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो मालूम कर सके। बात समझ में आई मेरी, आसान है मुश्किल? सर तो ये कैटलिस्ट अच्छा होता है, निकल कैटलिस्ट, कोबाल्ट वगैरह सबसे अच्छा जो स्पीड अप करता है, निकल कोबाल्ट वगैरह कौन सा होता है? भाई अच्छा अच्छा कोई भी नहीं है, अच्छा अच्छा कोई भी नहीं है। हर केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ सूटेबल कैटलिस्ट हैं। जैसे कहीं कहीं पे निकिल यूज करेंगे क्योंकि वो उस रिएक्शन के लिए सूटेबल है, जैसे हाइड्रोजनेशन के लिए निकिल सबसे सूटेबल है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के बिल्कुल अंदर हम वेनेडियम पेंटोक्साइड यूज करेंगे पेंटोक्साइड क्योंकि वो उसके लिए सबसे सूटेबल है, हम वहां पे निकिल यूज नहीं करेंगे, तो कहीं पे ऑक्सीडेशन में प्लेटिनियम यूज ऑक्सीजन। करेंगे। हाँ इसीलिए हर केमिकल रिएक्शन के लिए उसके सूटेबल कैटलिस्ट होते हैं जो कि वहीं पे यूज किए जाते हैं, अच्छा बुरा कोई भी नहीं है। बात समझ में आ गई, सर आसान है मुश्किल? एक चीज पूछ लो, मतलब एक हाँ नॉलेज के हाँ लिए, नॉलेज के हाँ इजाफे के हाँ लिए,
ये जो होता है कैटलिस्ट होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं कभी देखे हमने नहीं है ये लेकिन। अरे 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 तुमने क्यों नहीं देखे? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है बताओ जरा, बताओ ना ऑक्सीजन क्या है? सर? एक एलिमेंट है, O2 ऑक्सीजन एलिमेंट। हाँ गैस है ना भाई। भाई ये भी कभी कभार कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करती है। मान लो कि आपको, अब कैटलिस्ट क्या होता है भाई, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है और खुद पार्टिसिपेट कुछ भी नहीं कर रहा। तो मान लो कि आपको जंग लगाने किसी चीज को, आप उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो। तो वहां पे वो ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करेगा उसका और जंग लगने की स्पीड को बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक अलग बात है, तो वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन गैस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अब वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा चलो यार ये कैटालाइटिक रिएक्शन हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ज्यादातर जो केमिस्ट्री के अंदर हम कैटलिस्ट बोलते हैं ना, वो ज्यादातर कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और ज्यादा क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांजिशन मेटल्स। कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं कई ऑप्शन हाँ ठीक है। सही ना, ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करें, जैसे आयरन है, गोल्ड है, निकल है, सही ना, कोबाल्ट है, प्लेटिनियम है, ये सारे वगैरह वगैरह। समझ में आई मेरी बात? आसान है मुश्किल? सर आसान है ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है। सर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अजान हो जाए बस, मैं फिर तुम लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। अजान हो जाए, अजान के दौरान में अच्छा ही लगता है बोलना। अब देखो भाई, झांसे और मुइन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर झांसे अच्छा देखो, अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब बताओ। मैं एक काम करूँ, मेरे पास एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो एक ग्लास है मेरे पास। अब उस पानी को मैं जमीन पे फेंक देता हूँ या जमीन पे डाल देता हूँ, वो जमीन पे फैल जाता है। एक बार बताओ कौन सा वाला पानी ज्यादा ज्यादा जल्दी एवापोरेट हो सकता है? वो पानी जो मेरे हाथ में मेरे ग्लास के अंदर मौजूद है, वो पानी ज्यादा जल्दी एवोपरेट होगा, वो पानी जो जमीन में फैल गया, सरफेस एरिया जमीन उसका वाला, बढ़ जमीन गया, वाला सरफेंट जमीन वाला, सरफेंट करा दिया है। जमीन वाला पानी ज्यादा जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, बिल्कुल जी सर और जो ग्लास वाला पानी वो देर से एवोपरेट होगा, यानी ऐसे ऐसी बात है ना? जी तो सर जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी आप किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, उसका साइज बड़ा कर देते हैं। साइज बड़ा करने से मुराद ये है कि उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे, फिर उसका एरिया बढ़ा रहे, तो ऐसी सूरत में उसका केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है। और अगर आप उसका सरफेस एरिया कम कर देते तो उसका केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो आपने 1 लीटर पानी गर्म करना है, कितना लीटर पानी गर्म करना है?
1 लीटर, 1 लीटर पानी गर्म करना है, और 1 लीटर पानी गर्म करना है आप ये छोटी वाली पतीली के अंदर, बहुत छोटी सी पतीली के अंदर आप उस पानी को गर्म कर रहे हैं, या फिर आप उसी 1 लीटर पानी को इतनी बड़ी देग के अंदर गर्म कर रहे हैं, बताओ कौन सा पानी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा? देग वाला, देग वाला ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। जी जी सर, तो इसका सरफेस एरिया जिसका आप बढ़ा दोगे वो वहां पे केमिकल रिएक्शन तेज हो जाएगा, ऐसा ही है? ऐसा ही मुई मैं ये बोल रहा हूँ, जहां पे मैं एरिया बढ़ाऊंगा, जहां पे एरिया बढ़ाऊंगा वहां पे फास्ट रिएक्शन होगा, जहां पे एरिया कम करूंगा वहां पे स्लो रिएक्शन होगा, इतनी बात है। समझ आ गई? आसान बात है या मुश्किल बात है? सर ये मुश्किल थी थोड़ी बहुत। अबे ये कहां मुश्किल थी यार, बच्चों वाली थी। चलो खैर समझ आ गई। चलो ठीक है, अब मुझे नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताओ। रिएक्टेंट की भी तो अपनी नेचर होती है ना, कि वो रिएक्ट करना चाहता है या नहीं चाहता। एक बात बताओ मुइन और जासिफ, आप दोनों में से किसको दोस्ती करने में या दोस्त बनाने में थोड़ा मुश्किलात का सामना है? आपको आप में कौन है जिसको लगता है यार उसके दोस्त बहुत कम है और बहुत मुश्किल से बनते हैं? क्यों सर, हम 2 मिनट में बना लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, 2 मिनट में बन जाते दोस्त, 2 मिनट में बन जाते। और मुइन आपके है ऐसे ही सीन है? मतलब आप दोनों के दोस्त तेजी से बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ऐसा ही ना? इतने दोस्त के नाम ही नहीं याद रहते अभी तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा आप दोनों की क्लास के अंदर मुइन और जहाजेब, आप दोनों की क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल अलग ही रहता था, वो किसी को लिफ्ट नहीं कराता था, कोई इसको लिफ्ट नहीं कराता था, वो बस अपने अपने आप में मगन रहता था, कोई एक ऐसा बच्चा था? नो ना सर, कोई भी नहीं था ऐसा। कोई भी नहीं था? मुइन तुम्हारी क्लास में था? ऐसा कोई भी नहीं था। चलो एक बात बताता हूँ, सब शरारती थे भाई। मान लो कि मैं एक ऐसा बच्चा था, मान लो मैं ऐसा बच्चा था जिसको यार दोस्त बनाने में बड़ी मुश्किलात का सामना था, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम लोगों की तरह सीखता, लेकिन मान लो मानने में क्या जाता है। तो मैं एक ऐसा बच्चा था मान लो जिसके बहुत मुश्किल से दोस्त बनते थे, मैं बहुत कोने में बैठता था, ना मेरी लड़की कोई दोस्त थी, ना मेरा कोई लड़का दोस्त था, और मैं बिल्कुल अपने आप में मगन रहता था, टीचर पढ़ाते थे, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत तेज पढ़ता था, लेकिन मेरी किसी से बनती नहीं थी, और जो ना मैं इंट्रोवर्ट टाइप था, मतलब अपनी बातें किसी को भी नहीं बताता, मैं कोने में रहता था, अपना काम करता था बस, और बाकी सब जाए तेल लेने के लिए, तो मैं वैसा वाला बंदा था। तो एक बार बताओ मुझे दोस्ती बनाने में, दोस्तियां करने में थोड़ा मुश्किलात का सामना है या नहीं है? सर बिल्कुल है, आपको बिल्कुल है ना, ऐसे ही है ना? तो देखो रिएक्टेंट की भी 2 टाइप्स होती है, एक होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव वो होता है जिसको रिएक्शन करना पसंद नहीं है, या इसकी एग्जांपल हो गई नोबल गैसेस, इसको हम लोग नोबल भी बोलते हैं, सही ना? नोबल गैसेस भी हो गई है, स्टेबल होते हैं ना वो लोग, स्टेबल होते हैं तो उनको इनरिएक्टिव बोलेंगे, उनको यही बोलेंगे, और कहीं कहीं पे नोबल नहीं होते, मतलब उनको जरूरत होती है लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते, जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस बहुत ज्यादा इनएक्टिव गैस है, या नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ही बहुत ज्यादा इनएक्टिव गैस है, वो आमतौर पे किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती, या करती नहीं है, हालांकि उसको जरूरत है फिर भी नहीं करती, वो इनएक्टिव है। तो अब एक बार बताओ ऐसी सूरत में क्या इनका रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? ये किसी का दोस्ती करना चाहेंगे या जल्दी हो जाएगी या स्लो होगी? सर हो ही नहीं सकता, कैसे होगा स्लो भी कैसे होगा, क्योंकि बात ये है कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, किसी के साथ करेंगे ही नहीं। अबे नोबल गैसेस तो करती नहीं है, अबे अबे भाई नोबल गैसेस तो करती नहीं है, सही ना? नोबल गैसेस तो करती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे कंपाउंड्स की वो एग्जांपल दे दी जो कि स्टेबल नहीं है, जिनको जरूरत है लेकिन फिर भी वो रिएक्शन नहीं करती, या बहुत देर से रिएक्शन करती है, जैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस नोबल गैस नहीं है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस भी नोबल गैस नहीं है, लेकिन जैसे प्लेटिनियम है, जैसे निकल है, जैसे क्रोमियम है, जैसे जिंक है, ये इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ में, ये थोड़ा स्लो करते रिएक्शन। तो बताओ कि हम इनको इनएक्टिव बोलेंगे ना, कि ये भाई सही है, इनरिएक्टिव क्यों नहीं बोलेंगे? अरे इनएक्टिव बोलो या अनरिएक्टिव बोलो, जगह नहीं है, क्या क्या नाम दो बताओ, दो इनएक्टिव बोलो आप इसको या अनरिएक्टिव बोलो, कुछ भी बोलो, सब एक ही नाम है, सब एक ही बात है, बात समझ में आ गई? नोबल बोलो, इनएक्टिव बोलो, अनरिएक्टिव बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पे इनका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो रिएक्टिव है बताओ उनका क्या होगा, रिएक्शन तेज होगा या स्लो होगा? सर बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा, जैसे आप लोग बहुत तेजी से दोस्तियां बना लेते हो वैसे ही वाला इनका रिएक्शन होगा, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, ये जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेंगे,
दोस्तियां बहुत है ये इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी अच्छी बात हाँ हाँ बनाता हूँ लेकिन जो मेरे दिल के करीब है जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ जो मेरे सच्चे में दोस्त हैं बहुत ज्यादा जो मेरे क्या बोलूंगा क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे वो बहुत कम है वो 3-4 हैं या 5 हैं इतनी उम्र में जाके भी इतना बोलूंगा 5 हैं अब उसमें 5 में से भी 2 को बोलता हूँ कि 2 ही मेरे जिगरी हैं बाकी जिगरी भी नहीं है तो बहरहाल आप बताते नहीं है चलो एक का मैं बता देता हूँ एक को आप जानते हो सर अली मोहसिन ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ भाई ठीक है ना वो अच्छा। वो मेरे साथ अभी पढ़ाना शुरू हुए हैं लेकिन मैंने उनके साथ ग्रेजुएशन किया 4 साल मैंने उनके साथ गुजारे तो इसलिए मैं वो बहुत बेहतरीन है देखो अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं देखो टेम्परेचर बता रहा हूँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है यानी वो तेज तेज मूव करना शुरू कर देते हैं जब वो तेज तेज मूव करना शुरू करते हैं तो उनका रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाता है या उनकी रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाती है तेज हो जाती है यहाँ पे टेम्परेचर का एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से कोई लेना देना नहीं है बस यहाँ पे एक बात है जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना तेज केमिकल रिएक्शन होगा इतनी सी सिंपल सी बात है जितना कम टेम्परेचर होगा उतना स्लो हो जाएगा रिएक्शन बात समझ में आ रही है क्या इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है समझ में आई बताओ सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या सिंपल टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो या टेम्परेचर हो दोनों में सेम बात है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताओ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है पहले सर उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है लेकिन वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है ना वो 0 सेंटीग्रेड से लेके -273 केल्विन सेंटीग्रेड और 0 केल्विन ये होती है उसकी डेफिनेशन भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर तुम किसी हद तक आधा आधा सही बता रहे हो आधा आधा मिस इंटरप्रेट करो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बहुत आसान सा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जो कि केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है केल्विन की कोई भी वैल्यू 0 केल्विन हो 273 केल्विन हो या 2000 केल्विन हो वो सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर आता है बात समझ में आ रही है क्या जी सर समझ आ गई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो चाहे आप सेंटीग्रेड में बढ़ा रहे हो चाहे केल्विन में बढ़ा रहे हो सेंटीग्रेड में बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कहलाएगा केल्विन में बढ़ाओगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा कि रिएक्शन फास्ट होगा अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ बहुत आसान सी एग्जाम्पल है समझ में आ जाएगा एक बार बताओ गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है या सर्दियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है अगर बाहर छोड़ दिया जाए गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है और सर्दियों में ठंडक होती है ना तो फ्रेश रहता है जिस तरह हम फ्रिज में रखते हैं फ्रेश है। बिल्कुल यही मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था सर्दियों के अंदर क्या होता है सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो खाना खराब होने की जो स्पीड है जो उसका केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो भी कम हो जाती है स्लो हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है तो बस यही तो मैं आपको बता रहा था और इसी तरह गर्मियों में क्या होता है गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो खाना खराब होने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है केमिकल रिएक्शन जो है इसका वो भी उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करना शुरू हो जाता है ज्यादा तेजी से खराब होना शुरू हो जाता है समझ आ रही है मेरी बात जी जी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप चूल्हे पे उसको गर्म कर रहे हो पानी को गर्म कर रहे हो ऐसे ठंडा छोड़ दोगे चूल्हा नहीं जलाओगे टेम्परेचर कम होगा या चूल्हा हल्का जलाओगे तो स्लो स्लो गर्म होगा और अगर चूल्हा तेज कर दोगे तो पानी तेजी से गर्म हो जाएगा यानी कि टेम्परेचर कम तो रिएक्शन की स्पीड भी कम टेम्परेचर ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा अब एक बार बताओ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एक बार बताओ कि अगर किसी चीज की क्वांटिटी कम हो तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकेगी या किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो वो ज्यादा जल्दी से रिएक्ट कर सकेगी बताओ जरा मुझे सर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है देनी पड़ेगी आधी से ज्यादा तो मतलब उधर ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी या फिर कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी और अगर कम होगी तो
तो जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगी, अपनी कमी तो पहले पूरी करे। मुइन आप मुझे बताओ मुइन, सर एक मतलब रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो तब रिएक्शन तेज होगा, या रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है तब रिएक्शन तेज होगा? सर जब ज्यादा है तभी तेज होगा। जब भी ज्यादा है तो तभी तेज होगा। बजा मुझे बताओ वो कोई बताओ एग्जाम्पल बताओ। मैं सर एग्जांपल दूं हाँ बताओ। सर, जिस सर आपने NH3 की एग्जाम्पल दी थी ना, किससे बनाता है? हाँ NH2 और H2 से। हाँ अब क्या हुआ, हाँ क्या किया कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जिस तरह N1 है तो दो हाँ मोल दिए, उधर पांच कर दिया हाइड्रोजन के साथ। तो जब बढ़ हाँ जाएगी तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मतलब है स्पीडअप हो जाएगा, यही बात है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा एक बात याद रखो, फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं कि स्पीडअप हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि आगे जाएगा। अब वो आगे तेज जाए या स्लो जाए वो एक्सटेंड के ऊपर आता है। एक्सटेंड के मतलब कितना तेज जाता है स्लो जाता है। और वैसे अभी हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इरिवर्सिबल पर आ रहे हैं ना। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये है, उल्टा हिसाब है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर यह है कि जितनी रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी उतना तेज रिएक्शन होगा, जितनी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उतना स्लो रिएक्शन होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने पानी के अंदर नमक डिसॉल्व करना है या पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व करनी है, तो आप मुझे एक बार बताओ कि आप पानी के अंदर जब नमक या चीनी डिसॉल्व करो तो कम नमक डालोगे तो वो तेजी से हल होगा, या ज्यादा नमक डालोगे तब तेजी से हल होगा? सर क्या नाम है, कम डालेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा हाँ, और ज्यादा डालोगे तो सर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मिनी थोड़ा मिली टाइम। सेकंड। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। चलो आपने एक काम करो, आपकी अम्मी ने 2 किलो बिरयानी पकानी है या आपकी अम्मी ने सिर्फ 1 पाव चावल 1 पाव बिरयानी पकानी है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? सर 1 पाव में, एक पूरे मतलब बड़े वाले में 1 पाव में कम लगेगा। 1 पाव में कम लगेगा, क्योंकि यार वो जल्दी गर्म हो जाएंगे ना, और वो ज्यादा देर से जाके गर्म होगा। तो यही बोलता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी यही है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा होने की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा। और जितना ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब उसकी स्पीड उतनी कम हो गई है। और जितना कम टाइम लगेगा, जितना कम रिएक्टेंट होगा उतना कम टाइम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा इसका मतलब यह है कि उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात है। तो ठीक है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो स्लो रिएक्शन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम तो फास्ट रिएक्शन। ये चीज समझ में आ रही? तो सर, ये था आज का लेक्चर। अब यहाँ पे एक दो बातें और सुन लो। देखो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कॉमन 9 इफेक्ट रहता है। चैप्टर 6 के अंदर कॉमन 9 इफेक्ट रहता है, और एक और चीज रहती है KSP। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखा जाए ना, अगर चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो मोटा मोटा खत्म हुआ है अभी। इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीजें रहती है, जैसे छोटी 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 डेफिनेशन, वो हम लोग कवर करेंगे। उनमें से 3 डेफिनेशन अभी हाथों हाथ खत्म कर लेते हैं। एक डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरी डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन और तीसरी एनर्जी है एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। मुइन आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिजनेस बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स है। बिजनेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, पूरा पूरा डेफिनेशन लिखने का टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ना, एग्जाम्पल से हमेशा याद आ जाएगा, हमेशा याद रहेगा। भाई मुइन एक बात मुझे बताओ, मैंने जी कोई सर। बिजनेस शुरू करना है, मुइन मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है यार। मान लो कि गारमेंट्स का काम करना है, गारमेंट्स का, और जो ना मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर मेरे पास हो तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, और मतलब बिजनेस शुरू हो जाएगा, सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। तो एक बार बताओ, अगर मेरे पास 4 लाख रुपए पड़े हुए तो मुझे कितने पैसों की जरूरत है? 6 लाख। 6 लाख की जरूरत है। यही चीज है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि आपको टोटल कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है एनर्जी की
यानी टोटल अमाउंट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है जिसपे रिएक्शन स्टार्ट होता है। इंटरनल एनर्जी होता है कि इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि उस टोटल अमाउंट में से आपके पास कितनी रखी हुई है, कितनी अमाउंट उस रिएक्टेंट के अंदर पहले से मौजूद है। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि उस इंटरनल एनर्जी के बाद कितने की जरूरत है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। क्या कुछ समझ पा रहे हो? यस सर। आप देखो समझ आ गया सर। आप एक बार बताओ, यहाँ लिख दें जगह है तो लिख दें ताकि मतलब नोट कर लें हम लोग एक जगह। अच्छा एक बार बताओ जहां से यहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख की जरूरत है, ये 10 लाख इन तीनों में से क्या चीज है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। सर थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और वो 4 लाख जो मेरे पास पड़े हुए वो क्या है? क्या कौन से 4 लाख सर? मैं बोल रहा हूँ मैंने बिजनेस 4 लाख मेरे पास पड़े हुए, 10 लाख, 10 लाख मुझे टोटल चाहिए, उनमें से 4 लाख मेरे पास पड़े हुए, तो ये 4 लाख मेरे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी जो रिएक्टेंट के अंदर पहले से मौजूद है। और कितने की जरूरत है मुझे? सर जितने की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिख सकता यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल दे दूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 लाख, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 लाख, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना 6 लाख। जब भी तुम खोलोगे और ये वाली एग्जाम्पल को इतना देखोगे ना फौरन से, तो तुम्हारे जहन में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। सही बता रहा हूँ, ठीक है? बोलते हैं हम लिख लेंगे। अच्छा तुम लिख लो, तुम लोग लिख लो। इंटरनल एनर्जी है दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी की बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी की। अच्छा, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to initiate the chemical reaction. Initiate की spelling लिखते हैं। Initiate की जगह पे start लिख लो, is to start the chemical reaction. ये सर आगे। Internal energy की definition लिखो, internal energy की definition. ये सर बोल। The sum of kinetic energy and potential energy. The sum of kinetic energy sir, आवाज कट रही है सर आपकी और आपकी भी एक्टिव। मैं इस चीज में इख्तलाफ नहीं है टीचर्स का, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट का। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना उसमें सिर्फ आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हमारी जो बुक में लिखी हुई है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स की, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमें पोटेंशियल एनर्जी भी लिखवाई थी इसके साथ, है ना? तो अब मैं भी यही दोनों लिखवा रहा हूँ, तो मैं भी एक साइड पे हूँ, सही ना? मैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली साइड पे हूँ, ठीक है? तो अब लिख लो। सही ना? हाँ, इख्तलाफ बेशक अपनी जगह पे, इसकी अभी तक कोई फिक्स डेफिनेशन अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन जो लिखी हुई हम वो मान लेंगे। तो यहाँ पे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। लिख लिया? इट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या लिखोगे? एक्टिवेशन एनर्जी का सर मैथमेटिकल बता दें इसकी, सिंपल मैथमेटिकल तो पहले लिख दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। मैथमेटिकल तो पहले लिख दिया, जगह नहीं थी वैसे तो इसलिए मैंने वही लिख दिया। एक्टिवेशन एनर्जी लिख दो, एक्टिवेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड। सर वो बुक में ग्राफ बना हुआ था, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था इसी के लिहाज से, आपने देखा होगा। लेकिन ग्राफ बना हुआ अच्छा खासा टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ऊपर नीचे बनाया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल यार ग्राफ है, लेकिन अब तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हो यार, फर्स्ट ईयर अब ईकेट के अंदर या एमकेट के अंदर ग्राफ कैसे बना के देंगे तुम्हें? ना ग्राफ बना के देंगे, ना तुमसे पूछेंगे ग्राफ के बारे में, कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब मैं अगर ग्राफ बनाने खड़ूंगा ना मेरा और टाइम लगेगा, नहीं आएगा वो, नहीं आएगा। बड़ी बड़ी चीजें जो ऐसी चीजें हैं जिसको आप एमसीक्यूज में सॉल्व नहीं कर सकते, वो कैसे पूछेंगे आपसे?
आपको सॉल्व नहीं करना है ना, आपको जस्ट चेक करना है ये जो हम तैयारी कर रहे हैं इसमें मेरी नस्ट कवर हो जाएगी इनके अगर मैं नस्ट का एग्जाम। यार इसके अंदर नस्ट का मैं कुछ बोल नहीं सकता, हो तो जाएगी लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे 50% समझ लो 50% हो जाएगी नस्ट की तैयारी, बाकी 50% नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर फेडरल बोर्ड का कोर्स का कंटेंट भी आ जाएगा ना। जैसे फेडरल बोर्ड के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में नहीं है, तो वहां से ही पूछते हैं नस्ट वाले, समझ रहे हो? ठीक है ठीक। चलो अब मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को अगर किसी को मैंने वो नहीं सेंड किया ना एमसीक्यू सेंड नहीं किया तो मैं उसको व्हाट्सएप पे एमसीक्यू सेंड कर देता हूँ केमिस्ट्री के, तो उसके उसकी तैयारी चलो मैं सेंड कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 की तैयारी करो, एमसीक्यूज की सारी तैयारी करो और इन सब के आंसर्स को टिक करो, चैप्टर नंबर 6 के और चैप्टर नंबर 8 के दोनों की करो, अभी बैठ के करो। चैप्टर नंबर 6 के टोटल 60 एमसीक्यूज हैं और चैप्टर नंबर 8 के टोटल 50 एमसीक्यूज हैं, अभी बैठ के सॉल्व करो या कल तक सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़। सर 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 हां बोलो बोलो। हां बोलो। द अमाउंट ऑफ उसकी सिर्फ स्टेटमेंट बता दूंगा ताकि जो है उसमें एमसीक्यू किस तरह आते हैं वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें, ऑडियो में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। चलो लेकिन रात को दे दूंगा। चलो लेकिन अभी नहीं सेंड करा, अभी मैं नहीं सेंड करा, अभी कभी कम से कम 12 बजे सेंड करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास एक और क्लास है फौरन से और वो लोग वेट कर रहे हैं अभी, तो मैं अभी जाऊंगा उनके पास। कम से कम मुझे 5-10 मिनट अभी उनके पास जाने से पहले वो करना है, रेस्ट करना है, फिर मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे फ्री होऊंगा, फिर रात को 12 बजे सेंड कर दूंगा। लेकिन मुझे एक मैसेज कर देना है। सर आपके पास बारिश हो रही है? मैं अभी कमरे से बाहर निकल के देखूंगा तो पता लगेगा ना। इधर बहुत तेज बारिश हो रही है गुलशन नदी की तरफ, मैं स्टिल टाउन आया।